हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये तोरण बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमने बॉर्डर पट्टी और तोरण हमने ये सब एक साथ बनाया है। सारा हमें एक साथ बनाना है, इसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं बनाना है, सब हमने एक साथ बनाया है। ये देखिए, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर लिया है, 4-ply ऊन लिया है और हमने यहाँ पे 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का यूज करना है। सबसे पहले हमें धागे में नॉट लगानी है। हमने ग्रीन कलर का धागा लिया है। हमने नॉट लगा लिया, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 55 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसी तरह हमें 55 चेन्स बना लेने हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 55 चेन्स बना लिए हैं। ये जो हमारा 55 चेन्स हमारा बन गया। ये जो हमारा डिजाइन है फ्रेंड्स, इसे हमें एक साथ बनाना है, ना ही इसमें हमें अलग से बॉर्डर पट्टी बनानी है और ना ही हमें अलग से तोरण बनाना है। ये हमारा जो है डिजाइन, ये हमारा सब साथ में बनेगा विथ बॉर्डर पट्टी, इसलिए हमने यहाँ पर 55 चेन्स लिए हैं। उसके बाद फिर हमारा पहला चेन को हमें स्किप करना है। जो हमारा दूसरा चेन है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन, फिर अगली जो 3 चेन है हमारी वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, ये हमारी यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 2 चैन, फिर हमें यहाँ पे नीचे में 1 2 2 चैन को हमें स्किप करना है। जो तीसरा चैन है हमारा वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर अगली जो 3 चैन है हमारी उसमें भी हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। दो, तीन, ये देखिए, फिर यहाँ पे हमें 2 चेन बनाना है। फिर हमें 2 स्किप करना है। तीसरे में हमें फिर डबल क्रोशिया बनानी है। फिर अगली 3 चेन में भी हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। दो, तीन, इस तरह हमने यहाँ पे ये 3 टाइम हमने बना लिया। 1 2 3, फिर यहाँ पे हमें 2 चेन बनाना है। फिर यहाँ पे हमें 2 स्किप, 1 2, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चेन, फिर 2 चेन स्किप, एक दो, तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 स्किप, तीसरे में डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारे ये बॉक्स बन रहे हैं, ये देखिए, इसी तरह हमें 9 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3, ये हमने 3 बॉक्स बना लिए हैं। बाकी के हमारे 3 6 बॉक्स बनाने हैं फ्रेंड्स। इसी तरह हमें, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे टोटल 9 बॉक्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा यहाँ पे 9 बॉक्स बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 2 चेन बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने यहाँ पे 9 बॉक्स बनाए।
नौ बॉक्स हमारा बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमारे जितने भी चैन्स हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हर चैन के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। जितने भी हमारे यहाँ पे चैन्स हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे दो चैन बनाना है, फिर इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हमारे यहाँ जितने भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमें जितने भी यहाँ पे यहाँ तक हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जो लास्ट में हमने जितने भी डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर दो चैन, फिर जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चैन। इस तरह करके हमें यहाँ पे आठ बॉक्स बनाना है। पिछली बार हमने नौ बॉक्स बनाया था, इस लाइन में हमें आठ बॉक्स बनाना है। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और दो चैन। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हमारा आठ, ये हमारा आठ बॉक्स बन गया। उसके बाद फिर हमारा ये जो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर जो हमारा ये नौवा बॉक्स है इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। फिर जो हमारे ये अगला यहाँ पे जो हमने चार डबल क्रोशिया बनाया था, जो हमारी यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे दो चैन बनाना है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो एक दो दो के बाद जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। दो डबल क्रोशिया को हमने यहाँ पे स्किप किया और जो तीसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो बीस का जो हमारा बॉक्स है, ये देखिए जो हमारे यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो हमारा यहाँ पे इसका जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर यहाँ पे दो यहाँ पे हमें 11 चैन्स बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11। ये हमने यहाँ पे 11 चैन्स बना लिए। फिर जो हमारे यहाँ पे दो चैन हमें स्किप करना है, दो डबल क्रोशिया, और जो हमारी तीसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया स्किप किया, जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो हमारा बीच का यहाँ पर बॉक्स है, ये देखिए यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। फिर जो यहाँ पे हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे दो चैन। फिर जो हमारी लास्ट की डबल क्रोशिया है, ये जो हमारी लास्ट की डबल क्रोशिया है यहाँ पे जो हमारा दूसरा चैन है वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जो चैन है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हमें धागे को हुक में दो बार धागे को हमें हुक में इस तरह लपेटना है। फिर हमने धागे को हुक में दो बार लपेटा। उसके बाद फिर उसी चैन में हमने यहाँ पे
यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, एक बार, दो बार, ये तीन बार। हमने यहाँ पे हुक को तीन बार निकाला, यहाँ हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ये हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है उसी चैन में। फिर हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये जो हमने यहाँ पर पहला जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे जो हमारा धागा है, ये देखिए, ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, जो हमारा ये धागा है और एक धागा हमारा पीछे है, ये धागा हमें लेना है, एक धागा हमें पीछे से लेना है, ये वाली। इन दोनों धागों में हमें क्रोशिया को डालना है, फिर यहाँ से हमें धागे को निकालना है। यहाँ पर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, एक, दो, तीन। ये हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें धागे को दो बार लपेटना है हुक में। फिर उसी तरह, ये देखिए, ये जो हमारा धागा है और जो एक बैग का जो धागा है, इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, एक, दो, तीन। ये देखिए, फिर यहाँ पे हमें चार चैन बनाना है, एक, दो, तीन, चार। फिर पहला चैन हमें स्किप करना है, जो दूसरा चैन है वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चैन, फिर जो हमारी तीसरी चैन है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो हमारी चौथी चैन है वहाँ पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर जो हमारा ये यहाँ पे जो हमारा ये पहले ट्रिपल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर जो हमारी यहाँ पे ये दो हमें स्कीप करना है, जो तीसरी हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें बनाना है डबल क्रोशिया। फिर जो हमारा ये गैप है इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये जो हमारी पहली यहाँ पे डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह हमारा ये बन रहा है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे पांच चैन बनाना है, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर जो हमारे ये चैन की लड़ियाँ हैं, यहाँ पे हमें तीन सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक, दो, तीन। ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर पांच चैन्स, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर जो हमारे यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो हमें स्किप करना है, जो तीसरा हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो यहाँ पे हमारा गैप है, यहाँ इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो। फिर ये जो हमारा यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर दो चैन, फिर यहाँ पे दो स्किप करना है, तीसरे में डबल क्रोशिया। फिर जो ये हमारा यहाँ पर बॉक्स है इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है,
दो चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह हमारे यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, दो दो चैन लेके। फिर यहाँ पे जो हमारे जितने भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। दो चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह हमारे जितने भी बॉक्स हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, दो दो चैन बनाकर। और फिर ये जो हमारे जितने भी डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारे जितने भी डबल क्रोशिया थे सबके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर हमें दो चैन बनाना है, फिर इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर ये जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये हमारा बॉक्स बन रहा है, फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया। दो चैन, फिर डबल क्रोशिया। फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया। फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया। इस लाइन में हमारी ये पहली, दूसरी, तीसरी, हमारी चौथी लाइन जा रही है फ्रेंड्स। तो चौथी लाइन में हमने 1 2 3 4 5 6, ये चौथी लाइन में हमने यहाँ पे 6 बॉक्स बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, चौथी लाइन में हमने यहाँ पे 6 बॉक्स बनाया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स है ये देखिए, इसके अंदर हमें, ये बॉक्स के अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। फिर जो हमारी ये पहली, जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है इसके ऊपर। फिर दो चैन, फिर दो डबल क्रोशिया हमें स्कीप करना है, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो ये हमारा बॉक्स है इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। फिर जो हमारी ये पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इसके ऊपर। ये देखिए ये हमने दो टाइम यहाँ पे बनाया। फिर अब हमें यहाँ पे 7 चैन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने यहाँ पे 7 चैन बना लिया। उसके बाद फिर जो ये हमारा चैन है ये देखिए, यहाँ पे हमें, यहाँ पे इसके बाहर ये देखिए, यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर जो हमने पिछली लाइन में यहाँ पे जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था, हर में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो 3। ये देखिए हमने बीच में बनाया, फिर एक कॉर्नर में हमें बनाना है। 2 हमने कॉर्नर में बनाया और 3 हमारे बीच में बने, यानी हमें यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 7 चैन, ये हमारा, ये हमने यहाँ पे 7 चैन बना लिए। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया हमें स्कीप करना है। जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो हमारा ये बॉक्स है इसके अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया। फिर जो हमारी ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए
फिर दो चैन, फिर जो हमारी ये जो लास्ट की है ये डबल क्रोशिया, जो हमारे यहाँ पर दूसरा चैन है ये देखिए, एक दो, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है उसी चैन के अंदर, ये देखिए इसी चैन के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, ये देखिए फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो ये जो हमें यहाँ पर जो ये ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया, ये जो हमारा धागा है ये देखिए, ये जो हमारा धागा है एक आगे का और एक हमारा पीछे का, इन दो धागों में हमें क्रोशिया को डालना है, ये देखिए, ये देखिए, फिर हमें इसमें से निकालना है हुक को और फिर ट्रिपल क्रोशिया, एक दो तीन, ये देखिए फिर ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर जो हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया ये इसी में जो हमारा धागा है ये देखिए, इस धागे को और जो हमारा एक पीछे का धागा हमें लेना है और एक आगे का धागा हमें लेना है, ये देखिए एक इस धागे को हमें लेना है और एक धागा हमें पीछे का लेना है, ये देखिए, ये हमने लिया एक और एक हमें पीछे का धागा लेना है। फिर इसी में से हमें हुक को निकालना है और ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, ये देखिए, फिर यहाँ पे हमें चार चैन बनाना है, एक दो तीन चार, फिर एक चैन हमें स्किप करना है, दूसरे चैन में हमें सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चौथे में हमें डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा ये पहला ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया हमें स्किप करनी है, जो यहाँ पर हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारा ये बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर हमें दो डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर जो हमारा ये पहला है डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, ये देखिए इस तरह हमारा ये किनारा बन रहा है। फिर हमें यहाँ पे सात चैन बनाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर जो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर जितने भी हमारे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, दो तीन चार पाँच, ये हमने पाँच बनाया, एक हमें साइड में बनानी है, यहाँ पर हमने टोटल सात सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर सात चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये हमने यहाँ पर सात चैन्स बना लिया। फिर हमें यहाँ पर दो स्कीप करना है, तीन, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है, जो हमारी चौथी डबल क्रोशिया है ये, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है ये देखिए, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर यहाँ पे हमें दो स्किप करना है, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारे ये बॉक्स है इसके अंदर हमें दो डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है।
ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा तोरण बन रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे तोरण और ये हमारा बॉर्डर पट्टी, साथ में हमारा दोनों साथ में हमारा ये बन रहा है फ्रेंड्स, हमें अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर बॉक्स, फिर दो चैन, बॉक्स। इसी तरह हमें इसे बनाना है, जितनी भी हमारे बॉक्सेस हैं यहाँ पर हमें बॉक्स बनाना है। और फिर ये जो लास्ट में हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर यहाँ पर हमें दो चैन बनाना है, फिर इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हमारी जितनी भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये हमारी छठी लाइन है। फिर यहाँ पर हमें दो चैन, यहाँ पर हमें छह बॉक्स बनाना है। पिछली लाइन में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5, पिछली लाइन में हमने यहाँ पर 5 बॉक्स बनाए थे। छठी लाइन में हमें 6 बॉक्स बनाना है। एक, फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फिर दो चैन, डबल क्रोशिया। ये देखिए, 1 2 3 4 5, एक बॉक्स हमें और बनानी है। दो चैन, फिर जो हमें यहाँ पे दो स्कीप करना है डबल क्रोशिया, और जो तीसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे यहाँ पे 6 बॉक्स बन गए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर जो ये हमारा स्पेस है, इस स्पेस में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। एक दो, फिर जो हमारे पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर दो चैन, फिर यहाँ पे हमें दो स्किप करना है डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया स्किप करना है, और जो तीसरी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर जो ये हमारे चेन्स हैं, ये देखिए जो हमारे चेन की लड़ियाँ हैं इसके अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। एक दो तीन, ये देखिए यहाँ पे हमारा टोटल 4 डबल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे 7 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ पे 7 चेन्स बनाए। फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे घटाना है। पिछली लाइन में हमने यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7 हमने किया था। अब हमें यहाँ पे 5 करना है। एक हमें यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया हमें स्किप करना है, और दूसरे में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक दो, यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। हमने साइड में एक स्किप किया, बीच में जो हमारा 5 था यहाँ पर हमने हर एक के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमें यहाँ पे 7 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, फिर जो ये हमारी चेन की लड़ियाँ हैं यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है चेन के। यहाँ पे देखिए, 3 डबल क्रोशिया, एक द
तीन, ये हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बना लिया। फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने चार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर यहाँ पे दो स्कीप, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो हमारे यहाँ स्पेस है इसके बीच में हमें दो डबल क्रोशिया, एक दो। फिर जो हमारे पहला है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमारी छठी लाइन है। अब हमें यहाँ पे इसे अब हमें घटाना है फ्रेंड्स, ये हमारा बढ़ते हुए गया है, अब हमें यहाँ से घटाना है। वो हमारी सातवीं लाइन शुरू हो रही है। तो हमें यहाँ पे एक टर्न करने के बाद फिर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हमने हुक को डाला स्लिप स्टिच, फिर जो दूसरा है उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच, तीसरा स्लिप स्टिच, और फिर जो चौथा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच बनाया। ये देखिए फिर यहाँ पे तीन चैन, फिर जो हमारे स्पेस है इस स्पेस में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो। फिर जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ से घटना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे हमें दो चैन, फिर यहाँ पे दो स्कीप, फिर जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर ये जो चैन की लरियाँ हैं इसके अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन। फिर हमें यहाँ पे पांच चैन्स बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच। फिर पिछली लाइन में हमने यहाँ पे पांच सिंगल क्रोशिया बनाया था, हमें एक स्कीप करना है और दूसरे में हमें डालना है हुक को। इस बार हमें तीन सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन, फिर पांच चैन्स, एक दो तीन चार पाँच। ये हमने पांच चैन्स बना लिए। फिर यहाँ पे हमें ये चेन की जो लरियाँ हैं यहाँ पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन। फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए उसके बाद फिर हमें यहाँ पे दो चैन, फिर हमें दो स्किप करना है, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पर हमें दो डबल क्रोशिया। फिर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमारा तोरण। फिर हमें यहाँ पे दो चैन, ये हमने यहाँ पे दो चैन बनाया, फिर दो हमें स्किप करना है जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। पिछली लाइन में हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः बॉक्स बनाया था फ्रेंड्स। इस बार हमें सात बॉक्स बनाने हैं। तो दो चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर डबल क्रोशिया, इस तरह करके हमें बॉक्स बनाना है। और फिर जो हमारी लास्ट, फिर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक डबल क्रोशिया। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये हमने यहाँ पे सात बॉक्सेस बना लिए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये जितनी भी हमारी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दो चैन लेके फिर हमें इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमने दो चैन बना के फिर इसे टर्न किया। टर्न करने के बाद फिर हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया।
पिछली लाइन में हमने यहाँ पे 7 बॉक्सेस बनाए थे फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारी 8वीं लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं लाइन में हमें यहाँ पे 8 बॉक्स बनाने हैं, 1 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया, 2 चैन, डबल क्रोशिया, ये यहाँ तक हमें ये बॉक्स को बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने 6 बॉक्स बनाए, 2 बॉक्स हमें और बनाने हैं, 2 चैन, फिर ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चैन, फिर 2 स्कीप, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ये हमने यहाँ पे 8 बॉक्स, ये हमारे यहाँ पे 8 बॉक्स बन गए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे जो हमारे ये स्पेस है, इसी स्पेस के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, फिर जो हमारे पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया, फिर जो हमारे ये चैन है इसके अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चैन, फिर जो हमारी दूसरी चैन की लरियाँ हैं यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, फिर यहाँ पे हमें 2 चैन, 2 स्कीप डबल क्रोशिया, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारा ये स्पेस है इसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर जो हमारी ये पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसे हमें टर्न करना है, टर्न करने के बाद फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है उसके चैन में हमें हुक को डालना है और स्लिप स्टिच करना है, 1, फिर दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन, फिर जो हमारी ये स्पेस है इस स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2, फिर जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, फिर 2 चैन, फिर यहाँ पे हमें 2 स्कीप करना है, फिर जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया है चौथा, वहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये हमारी 9वीं लाइन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, फिर 2 चैन, फिर 2 स्कीप, तीसरे में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ये जो स्पेस है इसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर जो हमारे यहाँ पहली डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3, 3 टर्म हमने यहाँ पे बनाया, फिर 2 चैन, फिर 2 स्कीप, तीसरे में हमें बॉक्स बनाना है,
फिर दो चैन, फिर बॉक्स। इन नौ भी लाइन में हमें यहाँ पे टोटल 9 बॉक्स बनाने हैं हमें। फिर जो हमारा ये देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे 9 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमने टोटल 9 बॉक्सेस बना लिए फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमारी जितने भी डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये एक डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हमें ये देखिए, जिस तरह हमने यहाँ पर पहली लाइन स्टार्ट किया था, 1 2 3, तीन टाइम हमने यहाँ पर जो 4 डबल क्रोशिया करके हमने बनाया था, उसी तरह ये देखिए यहाँ पर भी हमारा ये जो नॉर्मल लाइन है, 1 2 3, यहाँ पर भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, तीन टाइम 4 4 डबल क्रोशिया। फिर हमारे यहाँ 9 बॉक्स, फिर यहाँ पर भी हमारा 9 बॉक्स। जिस तरह हमने यहाँ पर पहली लाइन स्टार्ट की, 3 1 2 3, ये हमारी पहली लाइन जिस तरह हमने बनाया था, एंड भी हमने इसे पहली लाइन की तरह किया है। तो अब जिस तरह हमने यहाँ पर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, जिस तरह हमने इसे बनाया है, अब इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए इसे बनाना है। जितना बड़ा हमें इसे बनाना है फ्रेंड्स, हमारा जो तोरण है हमें जितनी लंबी बनानी है उतनी लंबी इसे हमें बना लेना है। ये हमारा पहला डिजाइन है, ये देखिए, इसे ही हमें अब रिपीट करते हुए जाना है। 9 बॉक्स, 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 बॉक्स तक हमने बनाया। फिर 5 बॉक्स से इसे हमने बढ़ाते हुए किया, जिस तरह हमने यहाँ पर इसे घटाना शुरू किया, तो यहाँ से हमने यहाँ पर 5 बॉक्स के बाद फिर 6 7 8 9, फिर हम यहाँ पर 9 बॉक्स तक पहुँच गए। उसके बाद फिर हमें इसी तरह फिर 9 बॉक्स के बाद फिर 8 बॉक्स, 7 6 5 यहाँ तक बनाना है। फिर 6 5 के बाद फिर इसे हमें बढ़ाना है, 5 के बाद 6 7 8 9, इसी तरह हमें इसे रिपीट करते हुए जाना है। रिपीट करते करते फिर हमें जितनी भी लंबी बॉर्डर, जितनी लंबी हमें तोरण बनाना है उतनी लंबी से हमें बना लेना है। अब हमें जिस तरह हमने यहाँ पे दूसरी लाइन बनाया था फ्रेंड्स, उसी तरह अब हमें यहाँ पे दूसरी लाइन बनानी है, फिर दूसरी, तीसरी, इसी तरह हमें यहाँ पे अब रिपीट करते हुए जाना है। इसे इसी तरह रिपीट करके इसे हमें बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमने इसे रिपीट किया, और रिपीट करके हमने ये दूसरा डिजाइन बनाया है। ये देखिए, इसी तरह हमें रिपीट करते हुए जाना है, और जितना लंबा हमें इसे बनाना है उतना लंबा हम इसे बना लेना है। उसके बाद फिर हमें अब यहाँ पे दूसरा कलर का यूज करना है। कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पर हमें एक धागे में चैन बनाना है, और चैन बनाने के बाद ये धागे को हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर हमें जो हमारा दूसरा कलर है ऑरेंज कलर, वो हमें अब लेना है। ये जो हमारा, ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था, ये हमारी पट्टी है, ये देखिए, जहाँ हमने इसे इंड किया है उस पोर्शन को हमें यहाँ पे पकड़ना है। ऑरेंज धागे में पहले हमें नोट लगाना है। फिर ये जो हमारा पहला यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हमें धागे को डालना है। फिर तीन चैन, फिर उसी घर में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने यहाँ पे तीन चैन बनाया था फ्रेंड्स, इसे हम एक डबल क्रोशिया लेते हैं। फिर दो चैन, फिर हमने यहाँ पर 1 2 3, तीन हमने स्किप किया डबल क्रोशिया। फिर हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, फिर दो चैन, फिर तीन स्किप करना है हमें। फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर तीन स्किप करना है हमें, तीन डबल क्रोशिया, ये
ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे कॉर्नर में हमें यहाँ पे चार चेन बनाना है, 1 2 3 4। जब यहाँ पे चार चेन बनाया, यहाँ पे हमें इसे हैंग करना है। फिर ये जो हमारा दूसरा लाइन है, ये देखिए, ये लाइन हमने इस लाइन में हमने बनाया। फिर ये इस लाइन को छोड़ के हमें यहाँ जो दूसरी लाइन है, ये देखिए, इस लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे कॉर्नर पे जो चार चेन हमने बनाया फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है इसे हमें हैंग करना है। फिर हमें यहाँ पर फिर 2 चेन, फिर हमें यहाँ पर एक लाइन स्किप करना है और दूसरे लाइन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक लाइन हमें स्किप करना है, दूसरी लाइन में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए, इसी तरह हमें ये पूरे में बनानी है। फिर ये जो कॉर्नर है ये 3 साइड हमें बनाना है, 1 साइड 2 साइड और 3 साइड, ये तीनों साइड हमें ये बनाना है इस तरह। ये जो कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर पे हमें 4 चेन बनाना है। ये देखिए, ये कॉर्नर पे हमने यहाँ पे 4 चेन बनाया। फिर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया स्किप, फिर 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 हमने स्किप किया, 3 डबल क्रोशिया, दो चैन, फिर हमने यहाँ पे 3 स्किप किया, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन, फिर इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह हमें ये किनारा बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिस तरह हमने यहाँ पे इसे रिपीट करते हुए इसे हमें बनाते जाना है, और जितनी लंबी हमें ये तोरण बनानी है उतनी लंबी इसे हमें बना लेना है। इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।